सो हे गाइस, आज मैं पहला माइनक्राफ्ट वीडियो डाल रहा हूँ, मोस्ट ऑफली लाइव स्ट्रीम से हट के पहला माइनक्राफ्ट वीडियो, वन ऑफ द रिक्वेस्टेड वीडियो है इसमें। अरे 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 रुको, पहले इसको चेंज करना था, इसको पहले चेंज करना था। हाँ, वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है कि पिछले लाइव स्ट्रीम में मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि ये जो शेडर्स है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, मतलब इतना अच्छा ग्राफिक्स, जो माइनक्राफ्ट का जो नॉर्मल जो ग्राफिक्स होता है तो बहुत क्या होता है। एक्चुअली 2020 के लिए तो सूटेबल नहीं है उसका जो ग्राफिक्स है। हाँ, अब वो कि शेडर्स लगाने से आपका ग्राफिक्स कुछ इस तरीके का हो जाता है। ये तो फिर भी सस्ता वाला शेडर्स है, इससे भी बहुत अच्छा अच्छा ग्राफिक्स वाला शेडर्स अवेलेबल है मोबाइल के लिए भी। लेकिन हाँ, इसके लिए पहला चीज़ तुम लोगों को याद रखना होगा कि मोबाइल या फ़ोन जो भी इस्तेमाल करो, आईफोन, टैब, मतलब औकात का रहना चाहिए फ़ोन अपना। आईफोन होगा तो सब कुछ चल जाएगा भाई। अगर वैसा आप हो गया तो अब मुझे कमेंट डाउन करके बोलोगे मेरा 1 GB का फ़ोन है, शेडर्स नहीं लग रहा है, गेम नहीं चालू हो रहा है, क्योंकि बहुत से शेडर्स मैंने भी लगाए थे कि गेम चालू ही नहीं हो रहा था, मतलब क्या बोलो, ऑन हो रहा था, ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा था और ऑफ हो जा रहा था। एक शेडर मैं दिखाऊंगा अभी आपको, उसके लिए और बहुत ज़्यादा औकात चाहिए होता है। सो है वो यही सब रहता है शेडर्स के अंदर, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है शेडर्स, सिर्फ डाउनलोड करना पड़ता है और जाके फाइल मैनेजर, जेड आर्चीवर, कुछ भी हो, फाइल एक्सप्लोरर जाके सिर्फ पेस्ट कर देना होता है और जस्ट अप्लाई कर देना होता है, मतलब ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। या बहुत लोगों को पता भी होगा बट एज अ रिक्वेस्टेड वीडियो तो मैं उस टारगेट ऑडियंस को बोल रहा हूँ कि जिनको पता नहीं है। तो चलिए दिखा देते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि एक शेडर्स का जैसे नाम है, देखो BLP शेडर्स। सो गाइस, हम लोग डायरेक्ट लिंक पे आ चुके हैं, इस शेडर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप और भी शेडर्स इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल में सर्च करके, गूगल में मिल जाता है, प्ले स्टोर में भी शेडर्स का ऐप रहता है, बट मैं गूगल से ही प्रेफर करूँगा क्योंकि अच्छे मिलते हैं। तो ऐसे कि मैं डाउनलोड कर लूँगा इसको, डाउनलोड स्टार्ट, देखो डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, कंप्लीट भी हो चुका है। सो अभी हम मिलते हैं सीधा फाइल मैनेजर। देखो अब तीनों का ऑप्शन आता है कि फाइल मैनेजर, WPS कंप्रेशन, जेड आर्चीवर बेस्ट बोलूँगा, बट आप नॉर्मल फाइल मैनेजर से भी कर सकते हो। कैसे, उसमें ऐसे डिकॉम्प्रेस है, BLP शेडर्स ऐसे डिकॉम्प्रेस होगा, डिकॉम्प्रेस हो जाने के बाद इसको हटाने दो। इधर देखो, ये जो एक फाइल में लगा ये वाला, इसको जब आपको सिंपली कॉपी करना, कट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कॉपी कर सीधा गेम, एकदम एंड्रॉयड में नहीं, सीधा नॉर्मली डिवाइस स्टोरेज के अंदर ही एक फाइल में लगा गेम्स नाउ का, इधर खोलना .com.mojang, यहाँ पे जाके नीचे देखना रिसोर्स पैक नाम का, ये देखो रिसोर्स पैक्स, इसके अंदर आके इतना देखो, इतना सब शेडर्स है, इधर आके पेस्ट कर देना, बस हो गया। अब सिर्फ माइनक्राफ्ट खोल के उसको अप्लाई करना होता है, रुको दिखाते हैं। ओके, सो माइनक्राफ्ट करने के अंदर देखो, मैं एक नया वर्ल्ड ही क्रिएट करके दिखाता हूँ, क्रिएट न्यू वर्ल्ड, क्रिएटिव कर देते हैं, क्रिएटिव क्रिएट, ओके क्रिएट हो रहा है हमारा वर्ल्ड, चलो क्रिएट हो गया। अब देखो, अभी देखो शेडर्स, ये नॉर्मल माइनक्राफ्ट है, विदाउट शेडर्स के जैसे आप देखते हो नॉर्मल माइनक्राफ्ट। सिंपली इसको एग्जिट करेंगे यहाँ पे, फिर जैसे इधर खोलने से ये वर्ल्ड दिखा रहा है, मेरा वर्ल्ड पहला, इसको खोलना है, इधर नीचे जाओ, रिसोर्स पैक, माई पैक्स, ये देखो, रुको आया क्यों नहीं,
इतना सारा शेडर्स मिल जाएगा। अभी अभी जो इंस्टॉल किया देखिए, ओके सो रिसोर्स पैक पे आने के बाद आपको जो सिंपली शेडर देना है, मेरा आया नहीं था तो एक बार रिस्टार्ट कर लेना गेम को, अगर नहीं आता है नॉर्मली एक बार रिस्टार्ट कर लेना गेम को, फिर इधर आ जाएगा। देखो BLP शेडर वर्जन 2.0 जो अभी हमने इंस्टॉल किया, सिंपली एक्टिवेट हो चुका। अब इसमें प्ले करो सही। अब ये मैं वीडियो के गए, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि फ़ोन औकात का होना चाहिए, नहीं तो मतलब ज़्यादा हाईफाई शेडर्स इंस्टॉल कर लिए तो ऐसा सीन हो जाता है, चलता नहीं है। ओके हम लोग माइनक्राफ्ट चालू करेंगे, मैं दूसरा एक शेडर लगा के दिखा देता हूँ, प्री इंस्टॉल शेडर आपको वैसे ही देखना होगा, बहुत सारे शेडर्स मिलते हैं। फिर लास्ट में एक और चीज़ रहती है, उसको मैं क्लैरिफाई कर दूँगा, ये इसको आपको हटाना कभी भी हटा सकते हो, ऐसे डीएक्टिवेट करो। फिर इधर कहाँ गया, जैसे हाइड्रा शेडर्स, चलो हो गया, लगा दिया हाइड्रा शेडर्स सो देखो ग्राफिक्स इतना एनहांस हो गया, चीज़ें ब्राइट हो चुकी है। एक्चुअली शेडर्स में आपका ज़्यादा कुछ मतलब चेंजेस नहीं करता, बस थोड़ा देखने में अच्छा हो जाता है कि लाइट के साथ छेड़खानी होता है इसमें, और कुछ नहीं। तुम्हारा कंट्रास्ट बढ़ा दिया जाता है और लाइट के साथ कुछ चेंजेस की जाती है, लाइट के साथ। वो देखो ऐसा, अगर कसम से ऐसा अगर वर्ल्ड मुझे मिलता ना पहले, पूरा प्लेजर टावर वार एकदम खराब कर दे। हाँ अब एक आप जब गूगल में जाओगे आपको दोनों चीज़ें देखने को मिल सकती है, एक होता है शेडर पैक, एक होता है टेक्सचर पैक। मैं बता दूँ टेक्सचर पैक सबका ग्राफिक्स इन्हेंस नहीं करता है, ये जो इतना अच्छा ग्राफिक्स कर दिया है वो टेक्सचर नहीं करता है। रुको टेक्सचर क्या करता है मैं बता रहा हूँ, रुको अभी दिखाता हूँ टेक्सचर का कमाल क्या होता है, दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। आपको अगर टेक्सचर और शेडर सब एक साथ लगाते हो तो बहुत अच्छा दिखने को लगता है, बट इससे आपका फ़ोन हैंग होने का भी चांसेस ज़्यादा है। देखो इसको क्या, ये होता है टेक्सचर, इसको आप एक्टिवेट करो। अब देखो टेक्सचर में डिफरेंस ही आता है, शेडर और टेक्सचर का डिफरेंस होता है। अरे यार चालू हो जाने, ये देखो वुड का देखो रियलिस्टिक दिखने को लग रहा है, वुड्स, ये देखो ये लॉक्स देखो जो दिखाया था, डोर देखो, बेड और चेस्ट में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। ब्लेजर टावर के अंदर देखो, ये देखो वुड्स का टेक्सचर देखो, कॉबलस्टोन देखो, ये है टेक्सचर। अगर आप सिर्फ टेक्सचर लगाते हो तो नॉर्मल जैसा ग्राफिक्स आपका माइनक्राफ्ट में होता है वैसा ही रहेगा, और ये एक हो जाएगा सिर्फ चीज़ों का मतलब क्या बताऊँ, इसके अंदर सिर्फ चीज़ों का टेक्सचर बदल जाएगा। माइनक्राफ्ट का ग्राफिक्स सेम रहेगा बट उसके चीज़ों का देखने का तरीका बदल जाएगा, चीज़ों का जैसे देखते हो वो ऐसे नहीं देख पाओगे, दिखने का तरीका बदल जाता है। चलो आज के लिए बस इतना ही, इधर रेड हो चुका है,
ये क्या है भाई? इसको खोल दो। से जेल में बंदी करके कौन रखता है? चलो जो देखो, आप जिनको समझना था, मतलब जिसने वीडियो आउट को देना बोल रहा था। ओके सो अगर फर्दर कोई प्रॉब्लम होती है आपको इसके अलावा भी, तो कमेंट डाउन कर कीजिएगा। ऐसे और नया वीडियो के लिए आप फिर से कमेंट कीजिएगा अच्छे से। देखो अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे, मतलब पता चलेगा आपका वीडियो कैसे, मतलब किस टाइप का वीडियो आप चाहते हो। जैसे कि सब्सक्राइबर ने बोला, स्वीथान याद है, नाम याद है स्वीथान, देख तेरे लिए बना वीडियो, लाइक ज़रूर करना। सो ओके, अगर फर्दर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट डाउन कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि क्या दिक्कतें आ रही है, मैं सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। 2020 में 100 सब्सक्राइबर कर दो यार, 68 तक ही पहुँचाओ, कर दो यार।